ठीक है, और आप में से कुछ लोगों ने मेरी ऑलरेडी कुछ क्लासेस ली हैं. सो टुडेज टॉपिक इज़ द वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड्स. ओके, एंड दिस टॉपिक इज कवर्ड आई थिंक इन योर लेसन नंबर 3. ओके, एज पर योर स्टडी मटेरियल. सो द टॉपिक इज द बॉन्ड वैल्यूएशन. सो एनी आइडिया व्हाट इज बॉन्ड? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. ओके, एनी अदर थिंग? And how is different from an equity share or preference share? Because the shares are earning the earning per share, earnings out of the. They are more risky than the bond. Okay. Okay. What is the fundamental difference between a bond and the share? Okay. Equity is the part of the company. Okay. Which part? Ownership. Ownership. Okay. And bond is the part of what? Liability of a company. Okay, to a great extent, very right. देखिए होता क्या है, suppose there is a company say X Limited. Now this company needs some amount of loan or some amount of money, ठीक है, say rupees 1 lakh. It has many options to raise this money, either approach to a bank or some financial institution. तो मान लेते हैं कि बैंक के पास गए और बैंक ने इनको पैसे देने से मना कर दिया. नाउ द ऑल्टरनेटिव इज द बॉन्ड. व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट. एज्यूम इट लाइक अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट में दिस कंपनी राइट समथिंग दैट ओके वी आर रेजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम यू. हम आपसे 1 lakh रुपीज़ का लोन उठा रहे हैं, राइट, और इसके अंदर दे विल मेंशन सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड दिस इंटरेस्ट रेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड से एट 10% एंड दिस 10% शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. व्हाट इज द फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज द प्रिंटेड वैल्यू ऑन दिस बॉन्ड सर्टिफिकेट. सपोज दिस अमाउंट इज रुपीज 1000. So they want to raise rupees 1 lakh in total. The face value of this bond on one paper is rupees 1000. So how many bonds? 1 lakh divided by 1000. So total हमारे पास में number of bonds calculate हो जाएंगे, ठीक है. So जब हम इसके number of bonds निकालेंगे तो in counting वो कितने आएंगे? 100. Now suppose there are some persons say A, B, C, and these three people purchase some bonds out of 100. Say A ने कहा कि इसमें से 60 bonds मैं purchase कर लेता हूँ, B ने कहा इसमें से say 30 bonds मैं purchase कर लेता हूँ, and C said कि okay remaining bonds जो हैं वो मैं purchase कर लेता हूँ. So 60 क्योंकि A के पास चले गए हैं तो उसने कितने की face value purchase की है? Face value of one bond is rupees 1000. तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो दैट मीन 60,000 रुपीज. सो आउट ऑफ रुपीज 1 lakh रुपीज 60,000 हैव बीन पेड बाय हुम? ए. एंड सिमिलरली हमें बी का भी पता चल जाएगा, हमें सी का भी पता चल जाएगा. यहां तक सब कुछ ओके. नाउ द कंपनी इज बाउंड टू पे दिस मच इंटरेस्ट रेगुलरली. कंपनी ये डिनाई नहीं कर सकती कि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए वो इंटरेस्ट को पे नहीं करेगी. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जबकि शेयर के अंदर में अगर वो इक्विटी शेयर है तो कंपनी अगर प्रॉफिट होगा तो वो डिविडेंड या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अदरवाइज वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी. क्लियर? सो बॉन्ड में होता ये है कि जैसे उन्होंने बताया दिस इज द पार्ट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी का जो कर्जा होता है ये उसका पार्ट होता है, जबकि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी की पूंजी या उसकी कैपिटल का ही पार्ट बन जाती है. मतलब एक तरीके से जब आप शेयर परचेज करते हो तो आप उसकी ऑनरशिप को होल्ड करते हो, जबकि जब आप बॉन्ड परचेज करते हो तो आप किसी कॉरपोरेशन की क्या परचेज करते हो? लायबिलिटी को परचेज करते हो. यहाँ तक ओके हुआ? अनदर पॉइंट्स, बॉन्ड जैसी ही एक सिमिलर टर्म है नॉन एज द डिबेंचर्स. जनरली बॉन्ड टर्म इज रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, ठीक है. से कोई LIC है मान लीजिए, तो LIC इज अ गवर्नमेंट यूनिट, तो अब वो क्या करती है? वो पैसा उठाती है, तो इट विल इशू बॉन्ड्स. बट जब प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप देखते हो तो दे विल यूज द टर्म डिबेंचर्स.
मैथमेटिकली यू कैन से ओके देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिवेंचर्स. उनकी जो वैल्यूएशन होगी, जो उसका मैथमेटिक्स वर्क करेगा, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही वर्क करेगा. इसीलिए आपके स्टडी मटेरियल के अंदर में बॉन्ड और डिवेंचर्स लिखा गया है. आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आया होगा. ओके, नाउ राइट द वन थंब रूल. अगर आपको किसी भी एसेट की, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो शेयर हो, या इनके अलावा कोई भी एसेट हो, अगर आपको उनकी वैल्यूएशन करनी है, तो आपको ऑलवेज ये याद रखना है कि उनका पोटेंशियल क्या है. पोटेंशियल मतलब उस एसेट को परचेज करके आप क्या क्या कमा सकते हो, क्या अर्न कर सकते हो. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड ओनली, सो बॉन्ड से आप बस क्या अर्न कर रहे हो, इंटरेस्ट को अर्न कर रहे हो. सो इस बॉन्ड का पोटेंशियल क्या है, इसका इंटरेस्ट है. आ गई यहाँ तक वासन में. लेकिन इसी बॉन्ड सर्टिफिकेट में मैच्योरिटी के बारे में भी लिखा होता है कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स वी विल रिडीम योर मनी. दैट मीन्स हम आपके 1,00,000 रुपए आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे. लेकिन ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 1,000 पे, इसको या तो आप कह दीजिए कि दिस इज योर फेस वैल्यू. क्लियर यहाँ तक? सपोज द मैच्योरिटी पीरियड इज 5 ईयर्स, 5 साल निकल गए, अब कंपनी इस पैसे को वापस कर रही है. तो कंपनी ये कहती है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स कि हम आपको 1,000 के कंपैरिजन में आपको से 100 रुपीस एक्स्ट्रा देंगे, एंड अपार्ट हम आपको जो 5 साल के अंदर इंटरेस्ट था वो भी पे करेंगे. तो इसको कहा जाता है रिडेम्पशन ऑफ अ बॉन्ड एट प्रीमियम. तो अगर आपकी 1,000 रुपीस की फेस वैल्यू थी, आपको कंपनी एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी ज़्यादा पैसे दे रही है फेस वैल्यू के कंपैरिजन में, तो हम कहते हैं दिस इज द रिडेम्पशन एट द प्रीमियम. हालांकि प्रैक्टिकली डिस्काउंट के ऊपर पे भी रिडेम्पशन देखने को नहीं मिलेगा, बट थियोरेटिकली दिस इज पॉसिबल. व्हाई? मैं किसी को 1,000 रुपीस लेकर उसको 90 रुपीस देना पसंद नहीं करूंगा, इनफैक्ट वो भी पसंद नहीं करेगा. क्लियर हो गई? बट स्टिल थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि आप रिडेम्पशन डिस्काउंट पे कर दीजिए. क्लियर? और अगर 1,000 का 1,000 पे ही चला जाए, तो दिस इज नॉन एज द रिडेम्पशन एट पार. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार, एंड रिडेम्पशन एट डिस्काउंट. सो पोटेंशियल के अंदर में 2 चीज़ें कवर होती हैं. वन इज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एज पर द सर्टिफिकेट. सेकेंड, व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट विल बी रिपेड एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड. सो मैंने कहा कि जो भी आपको किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन करनी है, सबसे पहले आप उसकी क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल, यानी कि उससे क्या क्या अर्न होगा. जब आप उस पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेंगे, उस पोटेंशियल की प्रेजेंट वैल्यू इज नॉन एज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. ओके, नाउ राइट समथिंग. वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल अर्निंग्स ऑफ द पोटेंशियल अर्निंग्स फ्रॉम दैट सिक्योरिटी. अब चाहे फिर मैं आपको इसमें बॉन्ड की बात बोलूं, चाहे फिर मैं आपको इसमें सिक्योरिटी की बात बोलूं, चाहे इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ की बात बोलूं, ये रूल हम सभी पे अप्लाई करेंगे. यहाँ तक ओके हो गया सब कुछ? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. अगर बस हमें वो पता चल जाए तो फिर बाकी सारा काम बहुत ईजिली निकल जाएगा, एंड थोड़ा सा हमें फिर मैथमेटिक्स आना चाहिए और ये सिचुएशन बहुत ईजी होगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू. इट इज सपोज दिस इज द टाइम लाइन एंड यू आर हेयर, कि आप प्रेजेंट टाइम में यहां पर हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, एंड नाउ यू हैव रुपीज 100 एंड यू डिपॉजिट रुपीज 100 इन टू अ बैंक एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ से 10% फॉर 1 ईयर ओनली. सो आफ्टर 1 ईयर आपके अकाउंट में कितने रुपए हो जाने चाहिए, 110 हो जाने चाहिए. अगर मैं बीच में से ये इंटरेस्ट फैक्टर रिमूव कर दूं, तो आज जो आपके 100 रुपीज़ हैं, आफ्टर 1 ईयर भी वो कितने,
100 ही रहेंगे. इसका मतलब कि योर वेल्थ इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ अ फैक्टर ओनली, दैट फैक्टर अराइजेज बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट. यहाँ तक ओके हुआ? ये जो आपने 110 बनाया है, ये आपने कैसे बनाया? इसको निकालने के लिए इस वाले 100 रुपीज़ में आपने इसका 10% क्या किया है? ऐड किया है. दैट मीन्स 100 का 10% विच इज नथिंग बट द 10 रुपीज़. यहाँ तक ओके है? नाउ जनरलाइज इट. इंस्टेड ऑफ टेकिंग रुपीज 100, वी आर यूजिंग द अमाउंट से रुपीज पी. इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एनी इंटरेस्ट रेट से 10%, वी आर टेकिंग से आर परसेंट. ओके, नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट कि ये पी रुपीज आर परसेंट की रेट पे आफ्टर वन ईयर कितने हो जाएंगे. अप्लाई द सेम लॉजिक. 100 क्या था आपका यहाँ पर? इनिशियल अमाउंट. अब हमारा इनिशियल अमाउंट क्या है? पी रुपीज. सो पी रुपीज प्लस इस पी रुपीज का हाउ मच परसेंट? आर परसेंट. ओके, सो टू रिमूव द परसेंटेज वी अप्लाई आर ओवर 100. व्हाट इज द कॉमन अमाउंट? पी आर ओवर 100. फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी जो भी इसको डिवाइड करके आएगा दैट विल बी अ फ्रैक्शनल फॉर्म. से 10% मीन्स 100 से डिवाइड करके 0.10. तो वी आर डिनोटिंग दैट अमाउंट बाय स्मॉल आई. ठीक है, तो ये जो भी कुछ 100 से डिवाइड करके आएगा वो क्या है आपका? स्मॉल आई. सो पी रुपीज विल बिकम दिस मच अमाउंट इफ द इंटरेस्ट रेट इज आर परसेंट. सो अगर आपको आज पी रुपीज दिए जाएं, इतने की रेट पे इन्वेस्ट करवाया जाए तो आपके आफ्टर वन ईयर इतने हैं. ओके, यहां तक. नाउ रिवर्स द सिचुएशन. आफ्टर वन ईयर यू वॉन्ट दिस मच अमाउंट एट दिस मच इंटरेस्ट रेट. सो वट शुड बी अमाउंट यू हैव इन योर पॉकेट इन प्रेजेंट? आंसर इज रुपीज पी. आज मेरे पास पी रुपीज हैं, आर पे डालिए और पी ब्रैकेट 1+R उसको जनरेट कर लीजिए. अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इतने चाहिए आर परसेंट की रेट पे, तो बताओ आज मेरे पास कितने होने चाहिए? आंसर इज पी रुपीज. सो ये जो पी रुपीज है ना, वो इस अमाउंट की आज की वैल्यू है. एंड वट इज द इंग्लिश ऑफ आज? प्रेजेंट. दैट मीन्स कि इस मच इस वाली अमाउंट की वैल्यू जो है प्रेजेंट में वो इतनी है. अब अगर मेरे को कहा जाए कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इफ़ वी नो दिस मच अमाउंट, बेटा ये क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है, सो दिस इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू. एंड सपोज दिस अमाउंट इज डिनोटेड बाय एफ वी और से मे बी रुपीज ए, वट एवर, कुछ भी हो. सो अगर आपको एक फ्यूचर वैल्यू पता है, दिस इज इक्वल टू वॉट? पी वन प्लस आई. तो इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस पैरामीटर पी, तो क्या होना चाहिए? इस नंबर को नीचे ले जाइए, एफ वी डिवाइडेड बाय दिस नंबर. सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ गिवन अमाउंट, यू मस्ट हैव द सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट. एंड वाइल कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इंटरेस्ट रेट इज नॉन एज द डिस्काउंटिंग रेट. ठीक है, इसमें ये जो आई नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग रेट. यहां तक बताइए, आपको बात समझ में आती है? ठीक है, आफ्टर दैट सपोज दिस इज द फ्रैक्शन एफ वी, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो क्या ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है? राइट, ओके. दिस मच अमाउंट इज नॉन एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. इस नंबर को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. एंड टू कैलकुलेट दिस फैक्टर मेरे पास कौन सी रेट होनी चाहिए? डिस्काउंट रेट होनी चाहिए. ओके, और ये जो पूरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है कितने पीरियड ऑफ टाइम का था? ये 1 ईयर का था. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इट मे बी 2 ईयर्स, इट मे बी 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, इवन मोर ईयर्स. सो टू जनरलाइज दिस फॉर्मूला हम ये कह देते हैं कि इफ वी हैव एन नंबर ऑफ ईयर्स, सो दिस नंबर शुड बी रेज टू द पावर एन. तो अब अगर आपको ये नंबर रीअरेंज करना हो तो यू विल हैव दिस फॉर्मूला. तो अगर मैं अब इसको यहां पर एन लिख देता हूं,
So now the present value factor depends upon two parameters. One is the I and other is your N. So किसी भी चीज़ की present value निकालने के लिए आपको एक तो ये पता होना चाहिए किसकी निकाल रहे हो, दूसरा आपको उसका रिस्पेक्टिव क्या पता होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बताइए यहाँ तक बात समझ में आती है? कैसे कैलकुलेट होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? अगर आप ये काम मैनुअल कर रहे हो तो यू हैव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल्स, आप उनसे इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ये काम कैलकुलेटर पर कर रहे हो तो ये कैलकुलेटर पर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर आप ये काम एक्सेल पर कर रहे हो तो उस पर भी पॉसिबल है, इवन उनके पास में डायरेक्ट फॉर्मूले भी हैं, ठीक। एंड अनदर इज कई सारी सोफिस्टिकेटेड ऐप्स आती हैं जो आपको डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल के दे देती हैं। बट इन योर एग्ज़ाम आपको ना तो कोई एक्सेल होगा, ना आपके पास में कोई मे बी बस टेबल होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एक कैलकुलेटर होगा। तो यू मस्ट बी कम्फर्टेबल कि ये सब कैसे निकलेगा। सो मैं आपको कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो एक्सेल पर कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगा। ओके यहाँ तक। अनदर पॉइंट इज ये जो आपने अभी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ये सिर्फ एक गिवन अमाउंट की है। नाउ सपोज मेरे पास एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स है, दिस इज माय प्रेजेंट टाइम, एंड से आफ्टर वन ईयर मेरे पास इतने रुपए आएंगे या जाएंगे, एंड आफ्टर द सेकंड ईयर मेरे पास फिर से इतने रुपए आएंगे या जाएंगे, और मेरे पास फिर से इतने रुपए आएंगे या जाएंगे, और इसी तरीके से जब तक ये टाइम पीरियड खत्म नहीं होता तब तक ये आना जाना लगा रहेगा। तो नाउ वी वांट टू नो कि इस पूरी सीरीज़ की आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। आंसर इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल नंबर, यूज़ दिस फॉर्मूला। कि किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो बताइए मुझे किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट नंबर आर की। ओके, सपोज दिस नंबर इज आर वन डिवाइडेड बाय व्हाट, वन प्लस आई रेज टू पावर द कंसर्न नंबर ऑफ पीरियड। बताइए कितना पीरियड है यहां तक, सो इट शुड बी वन, राइट। बताइए इसका क्या होना चाहिए, आर टू का, आर टू डिवाइड बाय वन प्लस आई रेज टू पावर टू, बिकॉज यहां तक टू पीरियड्स हैं। इसी तरीके से आर थ्री वन प्लस आई थ्री, और जब इन्हीं सबको हम ऐड कर देते हैं तो बताइए फाइनली यहाँ पर जो भी नंबर होगा, और अगर हम इसको n नंबर ऑफ पीरियड्स कंसिडर कर लें तो ये होना चाहिए। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज पेमेंट्स और द रिसीट्स, ठीक है। अगर हम इसको सिग्मा फॉर्म में लिखें तो नाउ यू कैन सी आर ओवर दिस पैटर्न इज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। तो आर डिवाइडेड बाय वन प्लस आई, सो देखिए वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर एन एन। सो इफ आई राइट इट टी तो ये भी क्या होना चाहिए, टी। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सो टी स्टार्ट्स फ्रॉम वन, और ये जा कहाँ तक रहा है, एन तक। सो दिस इज द फॉर्मूला of the present value of a series of payments. चाहे ये R1, R2, R3 equals हो, चाहे ये equal ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, this formula will work anyway. यहाँ तक बताइए बात समझ में आती है आपको अच्छे से। Now write a simple question. Write a simple question. बेटा ये डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मान लो कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, सपोज़ 100 रुपीज़ मैंने आफ्टर वन ईयर डिपॉजिट किए, आफ्टर टू ईयर्स फिर से 100, फिर से 100, तो मेरा एक फ़ंड बन रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ उस टोटल फंड का मेरा आज क्या वैल्यू है, तो इस फॉर्मूले से वो निकल सकती है। बट अगर किसी कंपनी के एंगल से देख रहे हो मान लो, तो कंपनी में भी कि आफ्टर वन ईयर उसको इतना इंटरेस्ट पे करना है, फिर से इंटरेस्ट पे करना है, फिर से इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके एंगल से पेमेंट्स हो गई। सपोज़ आपको पेंशन मिल रही है और वो पेंशन कांस्टेंट है, ठीक है। सो आफ्टर वन मंथ आपकी इतनी पेंशन, आफ्टर टू मंथ्स आपकी इतनी पेंशन। सो ये सीरीज ऑफ पेमेंट्स कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है कि ये रिसीविंग होगी।
हाँ, तो उसका मतलब ये है कि जो टोटल एक्यूमुलेशन हो जाएगा ना आपका, उसकी आज मार्केट में ये मार्केट नहीं सॉरी उसकी आज ये वैल्यू है, यानी कि मेरे पास इतना होना चाहिए। हाँ, अभी थोड़ा सा अर्ली हो गया है क्वेश्चन, बस मुझे 10 मिनट दीजिए, ठीक है? 10 मिनट बाद आपका क्वेश्चन अपना आप डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है बेटा? यहाँ तक बताइए बात समझ में आती है? ठीक है, नाउ राइट अ क्वेश्चन। इफ अ कंपनी इश्यूज अ बॉन्ड, इफ अ कंपनी इश्यूज अ बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 विद मैच्योरिटी ऑफ 3 years, विद मैच्योरिटी ऑफ 3 years, 3 साल की मैच्योरिटी कंपनी आपको बता रही है, ठीक है? फिर आगे लिखिए, द कूपन रेट, द कूपन रेट इज 10%। वो जो सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट रेट लिखी होती है ना, दैट रेट इज नॉन एज द कूपन रेट। यानी कि कंपनी जो आपको इंटरेस्ट पे करेगी ना, वो कितने की रेट पे करेगी? 10%। तो लिखिए, द कूपन रेट इज 10% पर एनम, पर एनम। फिर आगे लिखिएगा, द रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड, the redemption of the bond will be made at par, will be made at par, ठीक है यहां तक? फुल स्टॉप। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस बॉन्ड की क्या वैल्यू है। तो बताइए, इस बॉन्ड से आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो जो आपके इंटरेस्ट की पेमेंट्स है वो मिलने वाली है, और दूसरा जो आपको इसकी मैच्योरिटी के एंड पे पैसा मिलने वाला अपना, वो एक अलग बात है कि आपको वो सारा का सारा उतना ही मिलेगा जितना कि आपने कभी इनको दिया था, ठीक है? सो बेटा, अभी कुछ नोट करने से पहले ना, पहले टाइमलाइन को देखना। टोटल कितनी मैच्योरिटी है? 3 है, राइट? सो कंपनी ने जो बॉन्ड इशू किया, तो उसके सर्टिफिकेट पे कूपन रेट कितना लिखा होगा? 10%। फेस वैल्यू कितनी? 1000। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, 100 रुपीज़ है। और कंपनी जो ये कूपन पे करती है ना, ये हमेशा और हमेशा आपकी फेस वैल्यू पे ही पे करेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? सो 10% ऑफ 100 रुपीज़ कितना हुआ? इसका मतलब कि आफ्टर 1 ईयर द कंपनी विल पे ₹10। फिर से एक 2 साल निकलेंगे, फिर से 10 रुपीज़ वो पे करेगी, और जब 3rd year आ जाएगा फिर से 10 रुपीज़ पे करेगी, और इसी 3rd year के एंड पे आपकी मैच्योरिटी भी आ चुकी है, और आपके वो 100 रुपये भी वापस करेगी। तो इसका मतलब ये आने वाले, सो एट दी एंड ऑफ 3 ईयर्स जो टोटल आपका फ्लो होगा वो 110 रुपीज़ का हो। अप्लाइंग दिस फॉर्मूला अगर हम देखें, तो 10/1 प्लस द डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है? क्वेश्चन में ऐड कीजिए, क्योंकि अभी हमें इस पर भी डिस्कशन करना है कि व्हाट इज द डिस्काउंटिंग रेट इन एक्चुअल, ठीक है? तो लिखिएगा, सपोज द डिस्काउंटिंग रेट इज 14%, सपोज द डिस्काउंटिंग रेट इज 14%, सो 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर 1, एंड सिमिलरली 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर 2, एंड 110 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर 3, राइट? सो 10/1.14 10/1.14² 1.14 रेज टू पावर 3, सो इट विल बी योर वैल्यू, ओके? 69.81
ओके है यहाँ तक? सो एज्यूमिंग दैट कि कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, तो नाउ वी सी व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस अमाउंट, ये 69 बता के आ रहा है, ठीक है? सो लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है? देखिए मेरे पास एक डस्टर है, ये डस्टर जिस चीज़ से बना है वो मटेरियल है, इसमें वुड लगी हुई है, इसमें कुछ कॉटन लगी हुई है एंड कुछ इसके अंदर एडहेसिव पार्ट से फेविकॉल लगा है, राइट? सपोज इसकी जो मार्केट में प्राइस है सपोज वो 50 रुपीज़ है, तो ये तो हुआ इसका मार्केट प्राइस। बट लेकिन अगर मैं इसकी कॉटन हटा दूँ, राइट, और मैं किसी कबाड़ी वाले को इसकी लकड़ी बेच कर आऊँ, तो क्या वो मुझे इसके 50 देने वाला है? नहीं। सो जो चीज़ जितने में ट्रेड होती है नॉट नेसेसरली वो जो चीज़ जिससे बनी है उसकी भी वही वैल्यू हो। तो आपको इन एक्चुअल में पता करना होता है कि किसी चीज़ की इन एक्चुअल वाली वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक का हिंदी में मतलब होता है आंतरिक मान, तो इसका मतलब अंदर से उसकी वैल्यू क्या है। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आया होगा। सो ये वाली जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है ना, ये आपकी उस बॉन्ड की एक्चुअल वाली वैल्यू है कि वो इतनी हैसियत रखता है। ये कितनी आ रही है आपकी? 97। चलो इसको हम चेक भी कर लेंगे एक बार, 90.70, ठीक है? नाउ अब ये 90.70 का मतलब हुआ कि इस बॉन्ड की बस इतनी सी वैल्यू है। अब मार्केट में आप इस बॉन्ड को परचेज करने जा रहे हो, क्लियर? बॉन्ड की डिमांड और बॉन्ड की सप्लाई कब सपोज ये है, और बॉन्ड जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो सपोज ट्रेड हो रहा है 100 रुपीज़ पे, यानी कि उतने पे ही ट्रेड हो रहा है जितने की बॉन्ड की क्या थी, फेस वैल्यू थी। तो और हमारी नज़रों में उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? तो जो चीज़ आपको लगभग लगभग 90 रुपीज़ की है वो मार्केट में अगर 100 रुपीज़ की मिल रही है तो इज़ इट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड? ओवर वैल्यूड। तो बताइए सस्ती चीज़ को मुझे महंगे में खरीदना चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब कि दिस बॉन्ड इज़ ओवर वैल्यूड। सो अगर आप बस इसी पॉइंट पर डिसीजन लेना चाहते हैं तो यू शुड नॉट परचेज द बॉन्ड, क्लियर? नाउ सपोज किसी रीज़न की वजह से मार्केट में उस बॉन्ड की डिमांड फॉल कर गई, एंड एज पर द माइक्रो इकोनॉमिक लॉज जब डिमांड शिफ्ट करती है कीपिंग द सप्लाई कॉन्स्टेंट, सपोज द बॉन्ड प्राइस रिचेस एट ₹80, लेकिन इधर कुछ होने से मुझे बताइए क्या इस सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग चेंज हो जाएगी? इसका मतलब 10% विल रिमेन 10%, फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम, तो सारी कंडीशंस तो वैसी ही रहेंगी। तो इसका मतलब अभी भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी? यही। नाउ द इंटरप्रिटेशन इज जो चीज़ आपकी आइज में 90 रुपीज़ की है वो मार्केट में 80 की है, यानी कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? वो अंडर वैल्यूड है। जिसको आप महंगा समझ रहे हो वो मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, तो शुड वी परचेज और नॉट? तो हमें परचेज कर लेना चाहिए। और अगर डिमांड और सप्लाई में सपोज डिमांड फिर से रेज करती है और रेज करने के बाद वो एग्जैक्ट 90.70 पे आ जाती है, हालांकि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है लेकिन फिर भी मान लीजिए, तो इसका मतलब जितना आपने सोचा था वो मार्केट में भी क्या हो रहा है, उतने पे ही ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब कि बॉन्ड ना तो ओवर वैल्यूड है ना ही वो अंडर वैल्यूड है। सो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये आपको ये बताती है कि क्या बॉन्ड ओवर वैल्यूड हो रहा है या अंडर वैल्यूड हो रहा है, वन आस्पेक्ट। एंड अनदर आस्पेक्ट, इस कंपनी से, वो जो आप वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, इस कंपनी से अगर आप ये वाले टेन और ये वाले टेन तीन बार लेना चाहते हो, साथ ही साथ अपना ही पैसा वापस लेना चाहते हो, तो आज आपके पास 90.70 रुपीज़ होने चाहिए, ठीक है? प्रोवाइडेड आपकी जो डिस्काउंटिंग रेट है, और ये 14% का मतलब ये है कि अगर आप ये 90 रुपीज़ 70 पैसा इस कंपनी में ना लगाओ, लिसन केयरफुली, और इसको कहीं और इन्वेस्ट करो, से इन दी बॉन्ड्स ऑफ RBI, सॉरी, या इन दी बॉन्ड्स ऑफ SBI, वहाँ से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, राइट? सो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी कभी रियल लाइफ में आपको डिस्काउंटिंग रेट निकालनी होती है, तो यहाँ तो देखिए थियरी क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन बता देगा,
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये डिस्काउंटिंग रेट लाते कहाँ से? तो आप जिसके नहीं बेटा, आप जिस किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, सो अपने आप से पूछिए कि इसका बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा लगता है आपको, फिर वहाँ से जो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड है वही आपकी इसकी क्या बन जाएगी, डिस्काउंटिंग रेट बन जाएगी। या इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि मेरे पास पैसा डलवाइए, FD करवाइए 3 ईयर्स की, और मैं आपको 5% का इंटरेस्ट प्रॉमिस करता हूँ। वहीं ये कंपनी कहती है कि मेरे को पैसा दे दो वही वाला, राइट, और मेरे को भी 3 साल के लिए पैसा दे दो, और मैं तुम्हारे को 8% का इंटरेस्ट क्या करूँगी, पे करूँगी। तो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। ये जो आपको 8% नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कूपन जो कंपनी ने बॉन्ड पे लिख के दे देना है। लेकिन जब आप इसकी डिस्काउंटिंग करोगे तो डिस्काउंटिंग के लिए यू विल यूज़ दिस मच रेट, क्योंकि आपका बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, SBI में पैसा देना। आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ इन द अबव क्वेश्चन द बॉन्ड इज बीइंग ट्रेडेड, एट रुपीज 80, कॉमा, देन व्हाट शुड बी योर कमेंट विद रिगार्ड टू इट्स वैल्यूएशन, तो बताइए क्या कमेंट करेंगे अब आप? अगर ये मार्केट में 80 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है, 90 समथिंग कुछ, इसका मतलब ये ओवर या अंडर? तो ये अंडर वैल्यूड है। तो एक क्वेश्चन में आपसे दो बातें ही पूछी जा सकती हैं, कि आपसे कहा जाए कि भाई देखिए पहले तो वैल्यू निकाल दीजिए, वैल्यू निकालने के बाद हमें बता दीजिए कि वो ओवर हो रहा है या फिर वो अंडर हो रहा है, दैट मीन्स हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ओके हो गई यहाँ तक बात। इसके बाद लिखिएगा वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड हैविंग इनफाइनाइट, हाँ श्योर बेटा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो दैट पॉइंट इज नोन एज दी IRR, ठीक है, उसको आप बॉन्ड की लैंग्वेज में YTM कहते हो, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, निकाला जा सकता है उसका, ट्रायल एंड एरर भी है, निकाल सकते हैं, जहाँ NPV जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे एक गिवन प्राइस दे दिया जाए कि सपोज आई वॉन्ट टू परचेज माई बॉन्ड एट रुपीज से 80 ओनली, सो वट शुड बी माई डिस्काउंटिंग रेट, तो वहाँ से हम ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करके IRR को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? लिखिएगा वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड हैविंग इनफाइनाइट मैच्योरिटी, इनफाइनाइट मैच्योरिटी, क्लियर हो गई? इसका मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिसकी जो ये वाली मैच्योरिटी वैल्यू है, ये वाली, ये आपको खुद नहीं पता कितनी है, एंडिंग नहीं पता, इसको बोला जाता है परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है, तो और करके लिख दीजिए परपेचुअल बॉन्ड। क्लियर? देखिए मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको बॉन्ड की वैल्यू देखनी है तो बताइए क्या ये अमाउंट कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि R1, R2, R3, RN ये सबके सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एंड क्योंकि मुझे अब की बार ये मैच्योरिटी पता ही नहीं है, तो इसका मतलब मुझे अब ये नंबर भी नहीं पता, राइट, लेकिन जो भी पता है ये पता है कि चलता जा रहा है। ओके यहाँ तक? अब हमारे को अपनी प्रीवियस क्लासेस से पता है कि अगर आपके पास A+AR+AR² ... एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका जो समेशन होता है इन्फिनिटी वाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो A/(1-R) होता है, राइट, ये हमें अपनी आई थिंक 11th क्लास से ही पता है।
जहां ए क्या होता है उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और आर क्या होता है उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो। ठीक है, सो अगर मैं इसको देखूं, सो दिस इज माय फर्स्ट टर्म, अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो निकल आएगा। तो देखिए अगर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो कॉमन रेशियो है तो वो आएगा 1+i। जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो मेरी कितनी आएगी, r ओवर 1+i। और अभी जो हमने फॉर्मूला राइट किया उसके हिसाब से फर्स्ट टर्म दैट मीन्स r 1+i डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन रेशियो। सो कॉमन रेशियो कितना है, दिस वन। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, सो आर ओवर 1+i, इसका आप एलसीएम लेंगे, सो 1+i 1+i 1 से 1 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, सो ये हमारी फाइनल रिजल्ट है कि जितना भी कूपन का अमाउंट है वो और उसकी जो भी डिस्काउंटिंग रेट है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाए। क्लियर हो गई? सो राइट दिस इज दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो लिखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, बेटा आपका नाम क्या है, नहीं आपका नाम, हाँ, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम, आप बहुत देर से बस हंसे ही जा रहे हैं, यू आर परस्यूइंग MBA कोर्स, सो प्लीज शो सम काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज आफ्टर दिस कोर्स यू विल एंटर द इंडस्ट्री ओनली। R over I, so लिखिएगा, find the value of a perpetual bond with coupon of rupees 800 of a perpetual bond with coupon of rupees 800 and discounting rate 4%, right? तो बहुत easy है फिर तो हमारे लिए, बस आपको कूपन रखना है और आई बताइए फ्रैक्शनल फॉर्म में था नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में था, तो 0.04 जो भी इसको सॉल्व करके आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड। बताइए क्या ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू होती है, नहीं, ये इसके इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। क्लियर? आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जो भी आएगा बट डिवाइड ही करना है, 0.04। आर था वो जो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो उसका फेस वैल्यू है उस पर मिलेगा, राइट? नाउ राइट वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए जो बॉन्ड्स थे, बॉन्ड्स में तो हमें पता है कि कंपनी क्या करती है, लोन को रेज करती है। इसमें कंपनी क्या करती है, लोन को रेज नहीं करती है, इसमें कंपनी की अपनी शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके नाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर, दैट मीन्स कि इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में इनको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन प्रेफरेंस किसके रिगार्डिंग, आंसर इज इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर हो गई? और अगर प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हुए तो एक सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज पे इनको डिविडेंड दे दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए तो इनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स को नहीं पता कि आप वैल्यूएशन कर किसकी रहे हो,
तो मैथमेटिक्स तो कहता है कि सिंपली इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकालनी हो तो किसी भी एसेट का पोटेंशियल निकाल लो। तो अगर इस बार हमारी एसेट बॉन्ड्स ना होकर प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो देखिए क्या उसका भी पैटर्न सेम है। बॉन्ड के अंदर कूपन कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, इसके अंदर डिविडेंड की रेट जो होंगी वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहने वाली है। आगे यहाँ तो वसन में वहाँ पर भी एक डिस्काउंटिंग रेट होती है, यहाँ पर भी डिस्काउंटिंग रेट होगी, क्योंकि डिस्काउंटिंग रेट इज नथिंग बट दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। ओके यहाँ तक बात। तो चाहे क्वेश्चन मेरे पास बॉन्ड का हो, चाहे क्वेश्चन मेरे पास किस चीज़ का हो, प्रेफरेंस शेयर का हो, दोनों को सॉल्व आपको करना एक ही पैटर्न पे, बस आपको टर्मिनोलॉजी क्या करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। बॉन्ड्स में वो कूपन है तो यहाँ पर वो कौन है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, बाकी इसमें और कोई फर्क यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि बॉन्ड्स आपके परपेचुअल हो सकते हैं, वैसे ही आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। अब देखिए इरिडीमेबल का मतलब हुआ कि उसकी जो मैच्योरिटी है वो इनडिफाइंड हो गई है, पता ही नहीं है कितनी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल मत लगाइएगा कि कभी भी आपका पैसा वापस ही नहीं होगा। हम जब किसी कंपनी को ओपन करते हैं तो हम इस अजम्पशन के साथ नहीं करते कि बिजनेस कल ही बंद हो जाएगा, इट इज़ सपोज टू बी ए गोइंग कंसर्न कि ये चलती ही रहेगी। जिस दिन कभी ये कंपनी बंद होगी उस दिन हम आपका पैसा वापस कर देंगे, इसको कहा जाता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एंड द सेम कॉन्सेप्ट गोज विथ परपेचुअल बॉन्ड्स आल्सो। क्लियर हो गए यहाँ तब? तो कई बार लोगों को ये लगता है कि हमारा पैसा वापस ही नहीं आएगा, उसका ये मतलब नहीं है। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो बॉन्ड्स के दो केसेस थे, विद मैच्योरिटी एंड परपेचुअल। प्रेफरेंस के कितने केसेस हो गए, दो केसेस हुए, विद मैच्योरिटी एंड द परपेचुअल। बस फर्क इतना है कि बॉन्ड्स के केस में आप कूपन कूपन करते रहोगे, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड करोगे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक कंपनी इश्यूज सम प्रेफरेंस शेयर्स, एक कंपनी इश्यूज सम प्रेफरेंस शेयर्स, फुल स्टॉप, द डिविडेंड रेट इज 6%, ठीक है, एंड द डिस्काउंटिंग रेट इज 10%, एंड द डिस्काउंटिंग रेट इज 10%, द मैच्योरिटी इज ऑफ 5 years, मैच्योरिटी 5 साल की है। क्लियर, फुल स्टॉप। द प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी रिडीम्ड, द प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 10%, एट प्रीमियम ऑफ 10%, इफ द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इफ द पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रुपीज 50,000, इज रुपीज 50,000, कॉमा, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है बेटा, देखिएगा फॉर्मूला तो वही हमें यूज़ करना है जो अभी हमने देखा। यहाँ पर डिविडेंड का रेट कितना है, 6%। कूपन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, बट प्रेफरेंस के अंदर में आप में से कोई बता सकता है कि डिविडेंड किस अमाउंट का कैलकुलेट होता है, इज इट कैलकुलेटेड ऑन द प्रॉफिट्स अमाउंट और इज इट कैलकुलेटेड ऑन समथिंग अदर। प्रॉफिट अमाउंट, कितने लोग कहते हैं प्रॉफिट अमाउंट, अच्छा 1, 2, हाँ कंपनी को मैंने जितना पे किया है दैट इज नॉन एज द पेड अप कैपिटल, ठीक है। सो कंपनी को जो कैपिटल पे की गई है उसी पे उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पेड अप कैपिटल कितने की है, तो 50,000 का जब हम 6% कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 3,000 rupees, ठीक है। सो ये मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड होगा जो कि कॉन्स्टेंट बना रहेगा
अप टू हाउ मेनी ईयर्स? 5 years तक. और जिस दिन वो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन कंपनी मुझे मेरा पैसा वापस भी करेगी और वो भी प्रीमियम पे वापस करेगी, राइट? तो मेरी पेड अप कैपिटल कितनी है? 50,000 पे कितना वापस मिलेगा? 10%, यानी कि 5,000 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे. तो मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगी मुझे 55,000. सो अगर अब हम इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट ईयर का एंड 3,000 वन प्लस आई रेज टू पावर 1 प्लस 3,000 वन प्लस आई रेज टू पावर 2 3,000 वन प्लस आई रेज टू पावर 3 वन प्लस आई रेज टू पावर 4 3,000 वन प्लस आई रेज टू पावर 5 प्लस 55,000 का भी, या तो यही ले लीजिए या इसी के अंदर क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए. सो 58,000 कर दीजिए और यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए. अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आएगी वो मेरी वैल्यू आ जाएगी. बेटा 50,000 रुपीज़ तो पेड अप कैपिटल है, कंपनी आपके 5 साल के बाद में 10% वापस करेगी एक्स्ट्रा, तो 5,000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसके. तो डिस्काउंटिंग रेट कितनी दी हुई है? 10% दी हुई है. सो आई विल बिकम योर 0.10. ओके. इट शुड बी द आंसर. ठीक है, ये वाला. बेटा आप सभी बच्चों के ये वाले नंबर्स निकालने आ गए आपको या नहीं आए? अब कितने बच्चों के पास अभी कैलकुलेटर है? फ़ोन पे भी निकाल लीजिए. आप सुनिएगा, सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन कीजिए या फ़ोन निकाल लीजिए, फ़ोन वाला कैलकुलेटर, ठीक है? और फर्स्ट टाइप कीजिए 1 प्लस आई होता है ना फॉर्मूला, तो आई में हमारी इंटरेस्ट रेट कितनी थी, तो यानी कि ये नंबर होगा 1.10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू टाइप 1 / 1.10 इक्वल प्रेस इक्वल, तो आपका ये नंबर आ जाना चाहिए. प्रेस अगेन तो ये नंबर आ जाएगा. फिर थर्ड टाइम प्रेस कीजिए तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा. इक्वल इक्वल प्रेस करते रहिए, राइट? तो जितनी बार आप प्रेस करते चले जाएंगे आपको उतनी बार का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलता चला जाएगा. सो कैलकुलेटर पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस तरीके से कैलकुलेट होता है. क्लियर है यहां तक? नाउ सी कि मैंने ये एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है? आप देखिएगा मैंने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है. जो मेरा जनरल फॉर्मूला है ना बेटा, वो है 1 + i^n ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. तो यहां पर देखिएगा इक्वल, मुझे 1 को डिवाइड करना है कितने से,
1 प्लस आई, तो यहां देखिएगा बेटा डिवाइडेड बाय, आई विल यूज द पावर फंक्शन राइट, क्योंकि मुझे पावर करनी है। पावर बताइए मुझे किस नंबर की करनी है, 1.14 की करनी है। सो 1.14, तो वो पूछ रहा है कि पावर कितनी करनी है, तो मुझे इस वाली अमाउंट के आगे इसकी करनी है, तो उसको रेफर कर दीजिए इसमें। तो पहला नंबर हमारे पास में, अच्छा सॉरी 10 हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद इस पूरे फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर दीजिए, तो यू विल फाइंड ऑल द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। तो एक्सेल पे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं। अनदर पॉइंट, जब आप इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट मीन्स आप यही तो कर रहे थे ना फॉर्मूले के अंदर में, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। एंड में फाइनली आके इस पूरी इक्वेशन में हम करते क्या हैं, टोटली तो करते हैं सभी नंबर्स का, तो इन सब का हमने टोटल किया तो हमारे को ये नंबर मिल गया। बताइए यहाँ तक बात सही है? अब जो आपका स्टडी मटेरियल है, बेटा इधर आइए देखिए, बेटा ये आपका टॉपिक था 3.6.3 और उसमें था कि आपको बॉन्ड्स की और डिवेंचर्स की वैल्यूएशन कैसे करनी है राइट। जब आप नीचे जाएंगे तो यू विल फाइंड दिस इक्वेशन, जब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आप इसको अंडरस्टैंड बहुत इजीली कर पाएंगे, नोटेशंस में भी डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरा आप मुझे बता सकते हैं इस इलस्ट्रेशन का आंसर क्या आएगा, ये आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बस आप पेपर में ध्यान रखिएगा उसका। चलिए, इन्वेस्टर कितना सोच रहा है, 1000 रुपीज का बॉन्ड, कूपन रेट बता सकते हैं कितनी है, 8%, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, 10% हुआ। सो मैच्योरिटी कितनी है, 5 ईयर्स, सो दिस इज माई मैच्योरिटी पीरियड राइट। अब मुझे पता करने हैं कि मेरे कूपन्स कितने होंगे, तो कूपन्स बताइए किस पे कैलकुलेट होते हैं, फेस वैल्यू पे। तो 1000 रुपीज पे 8%, तो 800 रुपीज, तो फर्स्ट ईयर में भी 800 होगा, सेकंड में भी 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में भी 8, एंड द फिफ्थ में भी 8 होगा। उसके बाद क्या इसमें ये बताया गया है कि बॉन्ड की जब वापसी होगी, मैच्योरिटी के टाइम पर रिडेम्पशन होगा, वो कितने के अमाउंट पे होगा? अगर कुछ ना बताया जाए तो आप क्या मान लीजिए कि पार पे होगा। तो एज अ रिजल्ट ये जो लास्ट की 800 रुपीज़ है, तो इसके साथ आपको 1000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो ये 1800 रुपीज़ हो जाएंगे। अनदर पॉइंट, जो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 10% पे होना चाहिए, हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो 10 पे ही था, तो 3654। अच्छा 80 कर लीजिए इसको, 924। आई पॉइंट सन में आ गया होगा। अच्छा जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, वो कह क्या रहा था,
what should the investor be prepared to pay currently to procure the bond? हमारे हिसाब से हमारे कस्टमर या इन्वेस्टर की आईज में इस बॉन्ड की कीमत कितनी है? अब सोचिएगा, अगर आप सोचते हैं बॉन्ड इतने रुपए का है और कंपनी कहती है कि भाई मेरे हिसाब से बॉन्ड जो लिखा हुआ है प्रिंटेड वैल्यू वो 1000 का है, बट अब एक अनदर वैल्यू सुनिएगा, कंपनी कहती है कि मैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं हूँ, मैं एक लार्ज कंपनी हूँ, मेरी अपनी एक अच्छी खासी वैल्यूएशन है, गुडविल है, सो मैं तुम्हें 1000 की चीज़ 1000 में नहीं दूंगी, मैं तुम्हें से 1200 में दूंगी। दिस इज नॉन एज द इशू प्राइस, दिस इज नॉन एज द फेस वैल्यू, दिस इज नॉन एज द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बताइए, जब आप इस कंपनी से बॉन्ड खरीदेंगे और कंपनी आपको इतने का बॉन्ड इतने में बेचने को तैयार है, तो आपकी पॉकेट से इन एक्चुअल में कितने रुपए जाएंगे? 1200 ही जाएंगे ना, क्योंकि कंपनी तो इतने भी बेचने को तैयार है, लेकिन आपकी नज़रों में वो बॉन्ड है कितने का? तो इसका मतलब आप एक ओवर वैल्यूड बॉन्ड खरीद रहे हो। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर हम ऐसा बिहेवियर क्यों करें कि जिसमें फाइनेंस के रूल्स ये कह रहे हो कि सस्ती चीज़ को महंगे में खरीद रहे हो? मे बी सम अदर फैक्टर्स लाइक कि कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, ठीक है ना, तो कुछ और फैक्टर्स यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं, आपके बिहेवियरल इश्यूज़ भी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द बिहेवियरल फाइनेंस और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया तो बात? चलिए, आप ही के स्टडी मटेरियल में जरा बताइए इसका क्या होगा आंसर। सिक्स हंड्रेड, क्योंकि ये परपेचुअल है तो बहुत इजी है, बस फिर तो यहाँ पर भी फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है। अब आपको इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी आती है कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इजीली निकाल ही लोगे। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करोगे, ये बार बार है ना डिस्काउंटिंग रेट को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं, आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों? उसके साथ ही कंपेयर करेगा, है ना, बिल्कुल। क्या ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आउट ऑफ फेयर मन में आ जाती है? हाँ, एक तो ये हुआ कि मार्केट्स में बाकी लोग क्या दे रहे हैं, क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? आप इन एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मार्केट की रेट्स है, अगर आप इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, उसका कहीं और छोड़ रहे हो, है ना, और आप ये कह रहे हो कि दुनिया इतने में दे रही है तो मैं तुम्हें क्यों दूँ, तो तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए ना जितनी कि मार्केट या बाकी लोग दे रहे हैं। इसका मतलब जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो इसके साथ कंपेयर होती है। सो इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं है, अल्टीमेटली जाके कंसंट्रेट कर जाते हैं एक ही टॉपिक पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। क्लियर हो गया तो बात? और ये आउट ऑफ एयर नहीं आती, जैसे उन्होंने बताया कि मार्केट की जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम कई बार कंपेयर करते हैं। स्पेसिफिकली भी सोच सकते हो आप कि आपके पास ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव है जहाँ पर आपको रिस्क बहुत कम नज़र आए और रिटर्न अच्छे खासे नज़र आ जाएँ। चलिए ज़रा नीचे चलते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ है, कह रहा है शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है, अभी तक ही बॉन्ड्स की वैल्यूएशन कर रहा था, और कौन से वाले बॉन्ड्स हैं, ये रिडीमेबल हैं, ठीक है, क्या आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं? डी 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 क्या है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड होंगे, और ये के पी क्या है, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दैट मीन्स वही डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है। चलिए, तो बताइए राहुल वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? वैसे ही बता दीजिए, 7% इज डिस्काउंटिंग रेट या समथिंग एल्स? डिविडेंड रेट, ओके गुड।
और ये डिविडेंड फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर दें क्या? हाँ, एस, लेकिन हमने तो अभी पेड अप पे पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था ना कि भाई डिविडेंड तो किस पे कैलकुलेट होता है? पेड अप पे। तो फेस पे कैलकुलेट ना करें। नाउ द नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन अलग है बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी बताया कि डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द पेड अप अमाउंट, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर हम पूरी लाइन को पढ़ें तो कहीं पर भी नहीं बताया कि पेड अप अमाउंट कितना है, जैसे कि उस क्वेश्चन के अंदर था। तो मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि अगर मुझे वैल्यूएशन करनी है तो आई नीड डिविडेंड, अगर मुझे डिविडेंड चाहिए तो आई नीड द पेड अप कैपिटल। जब क्वेश्चन में पेड अप कैपिटल नहीं है तो क्या मैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसलिए फेस वैल्यू पर लगा दूँ, या मेरे पास इसका कोई लॉजिक है? ये सुनिएगा, फुल्ली पेड अप है, यानी कि पेड अप का मतलब है कि आपने कंपनी को कितना पैसा दिया, अब कंपनी को उतना ही तो पैसा दोगे जितना कंपनी आपसे मांगेगी, और कंपनी कितना मांगेगी? अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो उतना ही मांगेगी जितना बॉन्ड की क्या है, फेस वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ की है तो इसका मतलब कंपनी ने आपसे इतना ही मांगा होगा। और अगर हम ये एज्यूम कर लें कि आपने पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, जो हम इजीली कर सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग अकाउंटेंसी, ठीक है ना, तो ये फुल्ली पेड अप रहा होगा, इसलिए यही अमाउंट अब हमारी क्या कहलाएगी? पेड अप अमाउंट कहलाएगी। इसलिए मैं इस पर 1000 पे ही कैलकुलेट कर दूंगा, और 8% इज योर डिस्काउंटिंग रेट। तो एज अ रिजल्ट 1000 का 7% कितना होना चाहिए? 70 रुपीज़। 70 70 70, यहाँ तक तो 70 होगा। उसके बाद कुछ बताया गया कि प्रीमियम पे वापस होना है, किस पे होना है? एट पार। तो इसलिए ये 1070। डिस्काउंटिंग रेट कितनी है? 8%। तो यहाँ पर बस मुझे इसको चेंज करना होगा, तो मेरे ये फैक्टर्स भी चेंज, क्लियर? तो मेरे पास ये 960 आ गया है। तो इस प्रेफरेंस शेयर की जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इतनी है। तो आप जब पेपर में थ्योरी को राइट करोगे तो ये फॉर्मूलों को है ना आपस में को रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर सिंपल सी ये पता होना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रेजेंट वैल्यू, और आपको बस सिंपल सी नोटेशंस में खेलना आता है, ठीक है ना, बस आप अपने हिसाब से ही थ्योरी को बहुत प्रोफेशनली राइट कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी इस बात की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत है ही नहीं कि जहाँ पर KP लिखा गया है वहाँ आपको KP ही लिखना है। ये कोई स्टैंडर्डाइज नोटेशंस नहीं होती हैं, राइट? तो बस KP इसलिए लिख दिया गया कि ताकि आपको पता रहे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रेफरेंस शेयर्स। आप वहाँ पर बस सिंपली राइट कर सकते हैं दिस इज स्मॉल i, जो कि हमें पता है रेफरेंस में क्या होनी चाहिए, आपकी डिस्काउंटिंग रेट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, उसने बोला है वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर। ये तो वही था जो अभी हमने पढ़ा था। तो जो भी उसका प्रेफरेंस डिविडेंड होगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो नितिन वाला क्वेश्चन देखिए क्या है फिर। नॉर्मल, ठीक। अब जरा आते हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स पे। अभी तक हमने बॉन्ड देख लिया, अभी तक हमने प्रेफरेंस को देख लिया, अब और कौन से बचे? इक्विटी, राइट द टॉपिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखिए सेम क्वेश्चन, मैथ्स को क्या पता वो इक्विटी है, वो प्रेफरेंस है, वो बॉन्ड है। हमें अब देखना है कि इक्विटी का पोटेंशियल क्या है। तो इक्विटी का भी पोटेंशियल क्या है? डिविडेंड ही है। बस उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके डिविडेंड्स फ्लक्चुएट होंगे, है ना, बस यही तो प्रॉब्लम है। तो बस उस बात को हम ध्यान में रखेंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे को ये भी देखना होगा कि जो डिविडेंड्स हैं क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो हो सकता है आज का डिविडेंड कुछ और है तो कल का डिविडेंड कुछ और है और परसों का कुछ और है। तो इसमें क्या होता है कि डिविडेंड मे बी राइजिंग, मे बी डिक्रीजिंग, मे बी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। इसीलिए वैल्यूएशन करने वाले लोगों ने ग्रोथ मॉडल्स बनाए हैं। सो उन्होंने ये कहा है कि इक्विटी के टाइम पर आपको डिविडेंड की ग्रोथ को भी क्या करना होगा?
कंसिडर करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है? तो जब मैं आपको इक्विटी की वैल्यूएशन कराऊंगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला वैल्यूएशन एज पर द गॉर्डन्स फॉर्मूला या गॉर्डन्स वैल्यू। कि गॉर्डन क्या कहते हैं, ठीक है? तो अगर आपको किसी शेयर का प्राइस निकालना है, और कौन सा शेयर है, इक्विटी है, तो उसकी इनिशियल डिविडेंड कितनी है और उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, जी डिवाइड बाय के ई। के इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि डिस्काउंटिंग रेट है, माइनस में जी। सो ये आफ्टर वन ईयर का प्राइस हो जाएगा, ठीक है? ये कौन सा प्राइस हो जाएगा, आफ्टर वन ईयर का। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जी का मतलब यहां पर है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, और अगर ये ग्रोथ रेट जीरो कर दी जाए, मतलब डिविडेंड बढ़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब डिविडेंड कैसा है फिर, कॉन्स्टेंट है। इफ दिस इज सो, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो बताइए मेरा पी वन क्या होगा, नाउ यू कैन कनेक्ट दिस फॉर्मूला विद द परपेचुटी। उसमें क्या था कि जो ऊपर कूपन था या प्रेफरेंस डिविडेंड था, या यहां पर बस प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह कौन सा डिविडेंड आ गया, लेकिन क्योंकि यहां पर ग्रोथ हो ही नहीं रही है एंड वी आर एज्यूमिंग दैट कि डिविडेंड मिलते जा रहे हैं, राइट, तो ये डी जीरो कॉन्स्टेंट फिगर बन जाएगी। वहां पर डिवाइड यानी कि आपके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, आपकी डिस्काउंटिंग रेट, तो यहां पर भी क्या निकल कर आ गई, डिस्काउंटिंग रेट। इसका मतलब इस फॉर्मूले की कंसिस्टेंसी है उन्हीं फॉर्मूलों के साथ में जो आपने अभी पढ़ी है। क्लियर है यहां तक? और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल सकते हैं। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को जनरली लोग कैसे निकालते हैं, इक्विटी के रेफरेंस में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, यूजिंग कैपम। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है? अब कैपम क्या कहता है, कैपम ये कहता है कि इफ यू हैव अ सिक्योरिटी से आई, अच्छा यहां पर इस बार आई को आप कुछ और बना लीजिए, सपोज आई हैव अ सिक्योरिटी से किसी कंपनी का शेयर है और मुझे पता करना है कि मैं इससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं, इसी को तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह रहे हैं, राइट? दिस इज नथिंग बट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि ट्रेजरी बिल्स की रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगी, प्लस मार्केट के रिटर्न्स माइनस आर एफ मल्टीप्लाइड बाय बीटा। और ये जो बीटा है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, राइट? और फिर हमें ये भी पता है कि बीटा अगर ग्रेटर देन वन हो तो क्या होता है, लेस देन वन हो तो क्या होता है, इक्वल टू वन हो तो ये क्या हो जाता है। क्लियर है? तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको रिस्क फ्री का डेटा दिया जाए, बीटा का डेटा दिया जाए, तो वो आपसे कौन सा डेटा हाइड कर देगा, वो आपसे के ई हाइड कर देगा, ठीक है ना? क्योंकि वो आपसे फिर ये चाहेगा कि अब आप के ई भी खुद निकालो, और जिस क्वेश्चन के अंदर वो के ई खुद दे दे तो फिर इस डेटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आपको वो डेटा क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, कि बस जस्ट हमें हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा हो। क्लियर है यहाँ तक? तो गॉर्डन्स के फॉर्मूले के हिसाब से आप इक्विटी की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड करते हैं जो क्वेश्चंस आपके मटेरियल में दिए गए हैं, पढ़िए एक बार इसे। एज्यूमिंग एन इन्वेस्टर एंटीसिपेट्स, पढ़िए और बताइए कि क्या ये सॉल्यूशन को इग्नोर कीजिए क्या है। एक इन्वेस्टर को लगता है कि उसको डिविडेंड मिलेगा कितने का, सात रुपए का बार बार मिलेगा, और कब तक मिलता रहेगा, 10 सालों तक मिलेगा। उसके बाद ये इस कंपनी के शेयर को कितने में बेचने को तैयार हो जाएगा, 110 रुपये में, 110 रुपीज़ में। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर कैन बी कैलकुलेटेड, अच्छा वो खुद ही कह रहा है,
कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अगर ये नहीं कहता क्वेश्चन तो हमें भी क्या करना था, हमें प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी थी। तो पोटेंशियल बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ का है, एक तो जो डिविडेंड्स बार बार आ रहे हैं, दूसरा और ये जो रीसेल हो जाने वाला है, ठीक है, एक ये हमारे पोटेंशियल हो गए हैं। डिस्काउंटिंग रेट बताइए 12% हो गई है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें उसी इक्वेशन का यूज़ करना है। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को मैनुअली कर रहे होंगे तो आपकी मजबूरी बनेगी कि आपको वो इक्वेशन के नंबर्स कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 10 बार लिखने पड़ेंगे, एंड इट विल टेक टाइम, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बिकॉज वी हैव एक्सेल तो ये काम इतना मुश्किल नहीं हो पाता। तो क्योंकि टोटल 10 ईयर्स का डेटा है तो हम इसे 10 तक ले जाते हैं। तो 7 रुपये आपको बार बार मिलते रहेंगे, तो 7 रुपीज़ यहाँ तक आ जाएं, एंड में क्या हो जाने वाला है 117 रुपये, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 divided by power 1.12, कॉमा, वो पूरा है कि कौन सी पावर चाहिए, इसको लगाया तो हमारा ये आया, और फिर इसी को हम अगर आगे नीचे तो ये आ जाना चाहिए, और देन उसके बाद प्रोडक्ट तो हमारे पास है ही तो ये हमारे पास आ जाने चाहिए, और फाइनली हमें क्या करना होगा, इसका समेशन करना होगा। तो हमारे पास ये वैल्यू जानी चाहिए। ये काम आसान यहाँ लग रहा है लेकिन ये सब काम जब आप कैलकुलेटर पे करोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइम जो आपका खर्च होने वाला है ना वो इन नंबर्स पे होने वाला है। क्लियर हो गई। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करनी है क्योंकि ये 777 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीप्लीकेशन आप सिर्फ इसका टोटल कर दीजिए और एंड में आके 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम तब ज़्यादा शुरू हो जाती है जब ये इरेगुलर अमाउंट हो जाती है, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज़ होती है, तो जब आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि वो टेबुलर फॉर्म में हो, ठीक है। तो आप पेपर में भी ऐसे ही कर सकते हैं, एक टेबल क्रिएट कीजिए, नंबर ऑफ ईयर्स को लिस्ट कीजिए, कुछ लिखिए, और देन उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो आपके कैलकुलेटर पर आते रहेंगे, ठीक है, देन प्रोडक्ट कीजिए, डू दी फाइनल टोटल एंड गेट योर आंसर। लेकिन टीचर्स को ये ना लगे कि ये कैसे हो गया, तो आपको वो नोट्स में बताना होगा वी हैव यूज दिस फॉर्मूला, और फिर आपको उसकी इंटरप्रिटेशन देनी होगी कि वो फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या कर रही है, कौन क्या है। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी 74.97। अच्छा, बताएंगे कि इस बुक के अंदर में आपको सॉल्यूशन आसान सा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो ये नंबर है ना 5.650 वाला, हाँ, उस चीज़ को इन्होंने क्या किया है, देखिए ये वाला जो नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो 117 था ना इसमें भी 7 था, तो इसका ही टोटल इन्होंने क्या कर दिया है। आप ज़रा यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ सम दिखेगा आपको, है ना। हम चलो एक बार इसको यहाँ से इसको कर देते, तो उन्होंने ना क्या किया हुआ है, यही वाला जो नंबर था ना यहाँ यूज़ किया हुआ है, राइट, 5.65। तो आप देखिए आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर 5.65, क्लियर। उसके बाद में ये जो आपका 117 वाला नंबर था, ये सिर्फ क्योंकि वन टाइम ही रिपीट हो रहा था तो इसलिए उन्होंने सिर्फ उसके सामने वाला नंबर लिया है, तो 0.32, क्लियर हो गई। चलिए नीचे है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो अभी हमने देखा। बेटा पहला मॉडल आप देखिए क्या लिखा हुआ है, नो ग्रोथ, गॉर्डन के अकॉर्डिंग ग्रोथ मॉडल वी है जिसमें जी की वैल्यू होनी चाहिए। तो बताइए नो ग्रोथ में जी क्या होना चाहिए, जीरो जाना चाहिए। तो और जो फॉर्मूला था वो हमने देख लिया था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, डिविडेंड का अमाउंट, राइट, डिवाइड बाई कितना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ज़रा मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 6.5। सिंपल। चलिए अब वो ये कह रहा है कॉन्स्टेंट ग्रोथ केस है,
मतलब इस बार जी क्या नहीं है, जीरो नहीं है, लेकिन जो भी है वो कांस्टेंट बना रहेगा, उसका फॉर्मूला हमने देख ही लिया है। चलिए अब जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक बार, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो इसी से रिलेट हो जाएगा। वन 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 जीरो नाइन हंड्रेड आएगा, ये इसका आंसर। तो देखो फॉर्मूले में था डी जीरो, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस जी। आई थिंक शायद आपने वो मिस कर दिया हो। देखिए एज्यूमिंग अ कंपनी इज प्रोजेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 6 पर शेयर इन द अपकमिंग ईयर, यानी कि इसने पहले से ही क्या कर दिया है आपको, डी जीरो वन प्लस जी करके दे दिया है। इसका मतलब कि हमें इसमें फिर से कोई रिकैलकुलेशन नहीं करनी है, इसलिए वो ऑलरेडी यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने थोड़ी सी चलाकी दिखाई है, और के ई माइनस जी वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा रेज करना हो तो वो आपको इसमें कहाँ हटा देगा, इस 15% को रिमूव कर देगा, और फिर इस 15% को रिमूव करके आपको CAPM का एप्लीकेशन भी डाल सकता है, और उसके लिए उसको आपको एक एक्स्ट्रा डेटा देना पड़ेगा कि भाई रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ये है एंड बीटा इतना है, ठीक है। इसके बाद है सुपर नॉर्मल ग्रोथ केस, शायद सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लोगों को यही वाला लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम तक ग्रोथ रेट कुछ और है, कुछ टाइम बाद ग्रोथ रेट कुछ और हो जाएगी। इसको ना एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे बेटा, जहाँ पर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आस्क बेटा। दिस इज द क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक कंपनी है ना डिविडेंड देती है कितने रुपए का, अभी का डिविडेंड है ये, और इस डिविडेंड में माना जा रहा है कि 16% की एनुअल ग्रोथ होगी, लेकिन सिर्फ 5 साल तक, यानी कि जी विल रिमेन कांस्टेंट बट अप टू 5 years ओनली। उसके बाद है ना परपेचुअल ग्रोथ होगी, परपेचुअल का तो मतलब ही क्या होता है कि अब जब भी जितना टाइम चलेगा इतने की रेट से ही चलेगा, तो तब कितनी ग्रोथ रेट होगी, 12% होगी। अब बाकी का काम हमें करना है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट है वो 14% है, और सी अनदर नेम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म एक्सपेक्टेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे आर सेइंग द कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। तो बताइए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, मुझे बस ये बताइए कि 5 साल तक का डिविडेंड कितना, सो एक टेबल क्रिएट कीजिए। मुझे ये पता, मुझे कुछ नहीं निकालना अभी, बस ये पता करना है मेरा डिविडेंड कितना है। तो एक टेबल क्रिएट कीजिए, उस टेबल के अंदर फर्स्ट इज द टुडे, आज का टाइम कितना है, क्योंकि मुझे डिविडेंड निकालने हैं। तो बताओ आज डिविडेंड कितना है कंपनी का, 5.45। आज से 1 साल बाद ये 16% बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि 5.45 में 1.16 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, चलिए ये निकाल के बताइए। चलिए एक बार मैं भी देख लेता हूँ अपने इसमें,
बेटा अगर मुझे एक्सेल में करना है तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसका पावर फॉर्मूला लगाने में? ठीक है, पावर पावर रेफरेंस दे देते हैं कि इस वाले के लिए ये चाहिए। ओके, कुछ और भी करना पड़ेगा? हमें ये नंबर फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि 5.45 सबके लिए होगा ना, तो ये नंबर हमें फिक्स करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो F4 कमांड लगा देंगे और पहला नंबर आपका ये आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपके नंबर्स आएंगे, वही वाला लगाए बेटा ये। हाँ, तो फिर उतने में वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैसे भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरे पास में आ चुके हैं, क्या आप सबके भी यही आए? चलिए, अगर मेरे पास ये डिविडेंड्स आ गए हैं तो क्या मुझे ये पता चल गया है कि मैथमेटिकली मेरे 5 साल का पोटेंशियल कितना है? यही तो पोटेंशियल हुआ मेरे 5 ईयर्स का, राइट? उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, वो शेयर फिर इन्फिनिटी टाइम तक कितने की परसेंट से ग्रो करेगा? इसका मतलब कि नाउ द ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट, और जैसी ग्रोथ कॉन्स्टेंट हो जाएगी वहाँ पर गॉर्डन का मॉडल क्या कर सकता है, एंटर करेगा। तो हमने पहले क्या किया, एक पूरी टाइमलाइन ली। समझना बेटा, अगर आपको टाइमलाइन समझ में आ गई आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर जाओगे। सो ये है मेरा आज का टाइम, आफ्टर 1 ईयर मुझे ये मिलेगा, ये वाला अमाउंट, आफ्टर 2 ईयर मुझे ये मिलेगा, आफ्टर 3 ईयर मुझे ये मिलेगा, आफ्टर 4th ईयर मुझे ये मिलेगा, एंड आफ्टर 5 ईयर मुझे इतना मिलने वाला है। ठीक, अब जैसे ही आप 5 साल से आगे जाओगे, मुझे नहीं पता भी आगे कितने तक जाना है क्योंकि परपेचुअल वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ तक कि इन्फिनिटी तक हो चुका है। ऐसी सिचुएशन के अंदर में ये टाइमलाइन ऐसे जा रही है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, गॉर्डन्स का फॉर्मूला अप्लाई करके उस वैल्यू को यहाँ तक ले आएंगे। और ये कौन से वाला साल है, 5th ईयर का एंड है, तो मुझे पता करना है कि आगे जो भी फ्यूचर था वो फ्यूचर इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द शेयर एट द 5th ईयर। क्लियर है? अच्छा, एक बार अब इस वाले फॉर्मूले पे आइए, ये वाला, और इसका फॉर्मूले में क्या था? क्लियर? अच्छा, यहां पर था 1, तो ये आपको बताएगा कि एक पीरियड बाद का डिविडेंड कितना था, तो वो बन जाएगा D1। तो अगर मैं इसे जनरलाइज करूं, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ए शेयर एट द एंड ऑफ द nth पीरियड, तो ये क्या होना चाहिए, कहां पर बेटा, ये DN हो जाएगा, ये आप सॉरी, ये हमारा आज का प्राइस है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये 1 ईयर की ग्रोथ है, जितनी ग्रोथ हमारे पास होगी हम उसी ग्रोथ को क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो बताइए मेरा यहां से लेकर यहां तक जो 5th पीरियड पे आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इस साल का डिविडेंड, क्योंकि ग्रोथ होते होते डिविडेंड पे आप यहां तक आ जाओगे। उसके बाद आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, बताओगे 5th पे कितना आपका डिविडेंड आ रहा है, 11.1 प्लस जी, जो कि कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है क्वेश्चन में, कितनी है, 14%। सो 0.14 माइनस ग्रोथ रेट, तो मेरे को ये ना P5 मिल जाएगा। ये नंबर कुछ सॉल्व करके आएगा, बताइए क्या आता है,
कितना बेटा? 600.2. ठीक है, लेकिन ये तो मेरा यहां से अगर कंपेयर करोगे यहां का प्राइस है, मुझे तो यहां चाहिए, इसका मतलब मुझे ना इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मुझे इस नंबर की भी क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो अगर मेरे पास अब यहां पर यहां तक ये नंबर्स हैं, तो पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताओ इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 1 / 1.14, ये पावर, तो ये मेरे आ गए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ तक के। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इस नंबर को इनसे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके ये मेरे प्रोडक्ट्स आ गए। फाइनली आके मुझे क्या करना होगा, इनका समेशन करना होगा, और ये समेशन यहाँ तक ये आ गया। यहाँ तक बताओ आसन में आती है। अब उसके बाद ये जो मेरा नंबर आया, एक मुझे इसके अंदर इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू ऐड करनी होगी। सो 28.7182 प्लस 641.2 डिवाइड बाय 1 प्लस आई, और ये कौन से ईयर के एंड पे हो रहा है सब कुछ, तो 1 प्लस आई यानी कि नंबर कौन सा था, यानी कि 1.14 फिफ्थ टाइम पे, और फिफ्थ टाइम पे वो नंबर कितना है, इसका मतलब ये हुआ 28.7182 प्लस 641.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5. ठीक है, तो अब चाहे क्वेश्चन में वो आपको कितनी ही ग्रोथ दे, कितना ही कुछ दे, आपको बस क्वेश्चन में क्या करना है, बोलिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है बस। वो बोलता है कि से पहले 2 साल तक ये सपोज 12% पे बढ़ रहा है, फिर अगले साल से सपोज ये 16% पे बढ़ना शुरू करता है। तो अगर वो पहले 2 साल में 12 पे बढ़ रहा है, तो देखिए बस मैं फॉर्मूले में क्या चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर था मेरा 1.16, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही शुरू कर दीजिए। इसको हम लिख देते हैं कि पहले 12% से बढ़ रहा था, तो अगला भी किसी से बढ़ा देते हैं। अब वो कहता है कि फिर उसके बाद सपोज वो 16% से बढ़ना शुरू कर देता है, तो फिर हमें बस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, उसे 16 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतने फेज में ही क्या हो गया है, तो पहली तो 5.45 ही थी ना, अब उसने बोला है कि पहले 2 साल तक ये 12% पे बढ़ेगा, तो हमने 12% से बढ़ा दिया ना। देखो यहाँ तक ओके है 6.10, उसके बाद क्योंकि रेट अभी भी अगले साल 12% पे ही चल रही है, तो अभी भी ओके है, ठीक है यहाँ तक। देन उसके बाद में हाँ, अब आपको ये बदलना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको सेकंड वाला जो नंबर होगा उस पे अप्लाई करना होगा, बस ये काम करना होगा। अब चाहे वो आपको इसमें 4 बार ग्रोथ रेट दे दे, चाहे 5 बार ग्रोथ रेट दे दे, आपको वो उसी हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली क्या करना होगा, चेंज करना होगा। यहाँ तक बताइए बासन में आती है अच्छे से। अभी ये जो आपने इक्विटी शेयर्स, चाहे वो जीरो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, सुपर नॉर्मल ग्रोथ के केस में निकाली, प्रेफरेंस के केस में ऐसे ड्रामे नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि लीगली उसमें क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट हो जाती है, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। बॉन्ड्स के और डिवेंचर्स के केस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी लीगली क्या हो जाता है, कूपन फिक्स कर दिए जाते हैं, इसलिए वो केसेस थोड़े से ज़्यादा आसान हो जाते हैं। बट मैथमेटिकली देखोगे आप, सभी में ये चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। कॉमन वही है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ठीक से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यहाँ तक बताइए बासन में आती है। नाउ अगर आप अपने स्टडी मेटल में जाते हैं, अच्छा तो समरी पार्ट शुरू हुआ, बेटा आपका एक ये टॉपिक है इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज,
ठीक है बेटा, कुछ पूछ रहे हैं आप? ये नंबर कहाँ से आया? ये नंबर बेटा जो हमारा ये वाला नंबर कहाँ से आया बेटे? वन प्लस आई था ना, तो आई था 14%, तो 14 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.14. तो 1 प्लस आई दैट मीन्स 1 प्लस 0.14, तो कितना आ जाएगा? 1.14 आ जाएगा. ठीक है, और क्योंकि सब कुछ फिफ्थ ईयर के एंड पे हो रहा था तो इसलिए आपको 1.14 रेज टू पावर 5 करना होगा. ठीक है बेटा, बस एक छोटा सा टॉपिक ये है आपका. इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, राइट बेटा? आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो एक सिंगल सिंबल सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दोगे या फिर कई सारी सिक्योरिटीज का एक ग्रुप बना लोगे, और जो ग्रुप होता है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है. अगर आपको मेजर करना हो कि वो पोर्टफोलियो अच्छा है बुरा है, सो आपके मटेरियल के हिसाब से देर आर 3 पैरामीटर्स, हालांकि इसके अलावा भी होते हैं राइट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें से पहला है शार्पे रेशो, राइट? तो शार्पे रेशो को समझिए, बहुत ईजी है इसको निकालना. वो कहता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है ना, उस सिक्योरिटी से कितना रिटर्न आता है, वो उसमें से माइनस कर दीजिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड कर दीजिए उस सिक्योरिटी के रिस्क से. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, और ये इसका कुछ नहीं है, ये उसका रिस्क एलिमेंट होता है. तो शार्प रेशो को निकालने के यू नीड 3 फैक्टर्स. 1, उस सिक्योरिटी का अपना रिटर्न कितना है. 2, उस सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में आपकी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, और उस सिक्योरिटी की वोलेटिलिटी कितनी है, दैट मीन्स उसके अंदर रिस्क कितना है. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक कंपनी है, हम उसका शेयर प्राइस लेना चाहते हैं. सपोज किसी पर्टिकुलर डे पे, ये है फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड से फिफ्थ डे. जो हमारा फर्स्ट डे है उस पर उसका प्राइस था से 10 रुपीज़, अगले दिन इसका प्राइस हो गया से 13 रुपीज़, नेक्स्ट डे इसका प्राइस हो गया से 20 रुपीज़, फिर हो गया 11 रुपीज़ एंड फिर ये हो गया सपोज 8 रुपीज़, राइट? अब मुझे ये कहा गया है कि बताइए इसका शार्पे रेशो क्या है, तो मुझे 3 ही फैक्टर्स चाहिए. तो पहला है कि मुझे इसके रिटर्न्स चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके रिटर्न्स कैलकुलेट करने होंगे. तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि फाइनेंस के अंदर में दो तरह के से आप रिटर्न्स निकाल सकते हो. वन इज यूजिंग दिस फॉर्मूला, या तो ऐसे निकालो या फिर क्या करो, नेचुरल लॉग लीजिए. जहां पीटी का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रिटर्न निकाल चाहते हो उस समय कितना प्राइस था, और पीटी माइनस वन क्या है, उससे प्रीवियस पीरियड में कितना प्राइस था. तो एज ए रिजल्ट आप क्या कीजिए, यूज नेचुरल लॉग. सो एलएन आपका प्राइस कितना है, 13 डिवाइड बाय आपका प्रीवियस प्राइस कितना है, ये रहा. इसको कॉपी कर दीजिए बेटा, ये मेरे पास आ गए हैं मेरे रिटर्न्स. आपको अब क्या करना है, इसका एवरेज कर देना है. तो जब आप इसका एवरेज करोगे तो बताइए आप अर्थमेटिक मीन वैसे कैसे निकालते हैं मैनुअली, जितने वो नंबर्स होते हैं उसका टोटल डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं. तो एक्सेल से निकालना चाहें तो आप एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. सो दिस इज माय आरआई. तो जो मुझे फॉर्मूले में आरआई चाहिए था ना शार्पे के रेशियो में, वो मुझे मिल चुका है. कितना, ये वाला नंबर. क्लियर है यहाँ तक बात? अब बताइए और मुझे क्या चाहिए उसके अंदर, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. हाँ, एक सिग्मा भी चाहिए, वो भी हम निकाल लेंगे. एक बच्ची रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमें ऑफिशियली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ट्रेजरी बिल की यील्ड से पता चल जाता है, तो वो कोई आपको कैलकुलेट नहीं करनी है. सो प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने आपको बताया कहाँ से मिलेगा, या फिर जी सिक्योरिटीज़ होती हैं तो कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको पता चल जाता है, और वो आपको आरबीआई की साइट से भी पता चल सकता है, राइट? उसकी यील्ड निकाल लीजिए. अगर वो नहीं तो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन वो पेड बेसिस पर होता है, तो वहाँ से निकाला जा सकता है.
तो आपको आरएफ इसलिए पेपर में दिया जाएगा कि दिस इज द आरएफ, क्लियर? तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज माई आरएफ इज से 2%, तो मेरा आरएफ हमने एज्यूम कर लिया है कितना है, दैट मीन्स 0.02। तो बताओ अब और क्या चाहिए हमें? एक हमें वॉलीटेलिटी चाहिए, दैट मीन्स कि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। अच्छा ध्यान रखिएगा, स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स आई उसका मीन स्क्वायर डिवाइड बाय, बताइए क्या आएगा, एन माइनस वन। बिकॉज अगर हम इसमें एन लिखते हैं ना तो इट मीन्स कि वी आर यूजिंग द पॉपुलेशन डेटा, बट इफ वी आर यूजिंग दिस सैंपल डेटा तो वी यूज एन माइनस वन। तो या तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करें और निकालें, एक्सेल आपको सीधा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन देगा इक्वल एस टी डी ई वी डॉट एस। तो एस टी डी ई वी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कहाँ से निकालना है, सैंपल से निकालना है। तो ब्रैकेट वो कह रहा है किन नंबर्स का निकालना है, तो हमें इन नंबर्स का निकालना है। सो दिस इज माई सैंपल, इसका मतलब कि मेरा ये वाला नंबर आ चुका है कितना, 4.6 समथिंग कुछ करके। अब मेरे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो बस आपको क्या करना है, शार्पे का रेशो निकालने के लिए आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाय दिस नंबर, राइट? तो इसका मतलब आर आई यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस के अंदर में 0.02 डिवाइड बाय दिस नंबर, बस। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ये न्यूमरेटर क्या बता रहा है, कि ये सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिटर्न आपको क्या दे रही है, अर्न करके दे रही है, राइट? ओके, सपोज कर लीजिए 4 रुपये होता, सपोज द स्प्रेड न्यूमरेटर इज 4 रुपीज, और ये नीचे वाला नंबर आपको क्या बता रहा है, ये आपको रिस्क बता रहा है। तो अगर रिस्क 4.6 है तो वो ये कह रहा है कि 4.6 का रिस्क लेकर आप इतना एक्स्ट्रा कमा लोगे एज कम्पेयर टू रिस्क फ्री एसेट। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अच्छा अगर 4.6 का रिस्क लेकर हम इतना कमा सकते हैं तो फिर एक यूनिट का रिस्क लेकर कितना कमा सकते हैं, तो ये रिटर्न पर यूनिट आएगा। इसीलिए शार्पे ने क्या किया, उस एक्सेस रिटर्न को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, और देन हमारे पास में जो भी रेशियो निकल कर आया। एंड ऑफ कोर्स इसको समझने के लिए अगर आपने एक पोर्टफोलियो बनाया तो उसका शार्पे रेशियो निकालिए। सपोज किसी एक पोर्टफोलियो ए का शार्पे रेशियो आया 2.3, किसी दूसरे का आया सपोज 3.1, तो बताइए रिस्क तो अब दोनों का सेम है 1:1, लेकिन एक पोर्टफोलियो आपको रिस्क फ्री एसेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सेस रिटर्न देगा और एक पोर्टफोलियो आपको कम दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है, ए, तो विच वन इज़ बेटर, बी इज़ बेटर विद द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क। तो इफ़ यू आर रैशनल तो बताइए किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बी की अच्छी है। तो शार्पे का रेशियो को आप ऐसे यूज़ करते हैं, तो बताइए हायर द शार्पे रेशियो इज़ बेस्ट और द लोअर द शार्पे रेशियो इज़ बेस्ट, हायर द शार्पे रेशियो। सो कई वेबसाइट्स फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर ब्लूमबर्ग मनी कंट्रोल, ठीक है, ये आपको शार्पे रेशियो दे देती हैं, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि शार्पे रेशियो अगर ये है तो समझ जाएंगे कि क्या मतलब इस बात का। शार्पे के अलावा एक प्रोफेसर और हुआ करते थे जैक ट्रेनर, तो जैक ट्रेनर ने क्या किया, उन्होंने भी अपना एक फॉर्मूला बता दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा फॉर्मूला ये होगा बस। अब अभी मैंने आपको बताया था जब हमने कैपम की इक्वेशन लिखी थी तो बीटा वहां किसका मेजरमेंट था, सिस्टमैटिक रिस्क, जबकि वो जो सिग्मा था ना वो ये नहीं बोलता कि वो सिस्टम का है या किसका है, वो ओवरऑल ले लेता है। तो ट्रेनर ने बताया क्या किया, उसमें से स्पेसिफिक कर दिया उसको, तो उन्होंने कहा कि न्यूमरेटर की एक्सप्लेनेशन तो वही है जो शार्पे के केस में है, बस अब हमने क्या किया है यहाँ पर इसको सिस्टमैटिक रिस्क से डिवाइड कर दिया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि बीटा निकलेगा कैसे, या तो जब हमने कल की ऑनलाइन क्लास में ये पढ़ा था कि बीटा को रिग्रेशन यूज़ करके निकाल लीजिए, अदरवाइज
आप बीटा को किसी भी सिक्योरिटी का निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके, कोवेरियंस किसी भी मार्केट का रिटर्न जैसे सेंसेक्स, और वो जो भी सिक्योरिटी है उसकी जो रिटर्न्स हैं वो डिवाइडेड बाय उस मार्केट का रिस्क का वेरियंस। तो इसको यूज़ करके हम बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन इसको यूज़ करके निकाल लेंगे। बेटा ये है जैसे सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स के रिटर्न में कितनी वोलेटिलिटी है, हाँ 12% आरएम नहीं, आपको देखिए बताता हूँ क्या है। जैसे ही मेरी एक सिक्योरिटी के रिटर्न्स आ रहे हैं राइट, यहाँ पर मैं यहाँ पर सेंसेक्स लिख देता हूँ। सपोज सेंसेक्स पहले दिन पे 123 का था, अगले दिन 124 का हुआ, फिर उसके बाद सपोज वो 100 पे हो गया, सपोज़ फिर वो 129 पे पहुंच गया, सपोज़ फिर 135 पे पहुंच गया, तो इसके भी रिटर्न्स कैलकुलेट कर लीजिए ठीक वैसे ही जैसे आपने पीछे के किए हैं। तो दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर, ये आ गया। यहाँ तक समझ में आ चुका है? तो इसको तो मैं नाम दूंगा अपना आरएम का, और इसको मैं नाम दूंगा अपनी आरआई का। तो बताइए बीटा कैसे निकलता है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, आरएम और आरआई का कोवेरियंस। तो एक्सेल में आपके पास कोवेरियंस का भी एक फॉर्मूला होता है COV, वो आपसे पूछ रहा है सैंपल का निकालोगे पॉपुलेशन का निकालोगे, बताओ किस पे काम चल रहा है, सैंपल पे चल रहा है। तो इसको क्या कीजिए, सैंपल वो पूछ रहा है किसका, तो एरे वन मतलब RI मतलब मेरी ये वाली सिक्योरिटीज कॉमा, और ये क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ वो सेम चलेगा। तो ये मेरा न्यूमरेटर आ गया बेटा, ये वाला नंबर ये आ चुका है, अब मुझे चाहिए ये वाला नंबर, और क्योंकि ये M है इसका मतलब कि जो मार्केट के रिटर्न्स है ना उसका वेरिएंस है ये, सो वेरिएंस ऑफ द रिटर्न्स ऑफ द मार्केट, यानी कि ये। अब अगर आप इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका बीटा आ जाएगा। आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड अनदर पॉइंट है जो मैंने आपको लास्ट क्लास बताई थी, ये बीटा आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अगर बच्चों को याद हो तो मैंने स्लोप फंक्शन यूज़ किया था, तो स्लोप फंक्शन में हमने देखा था कि उससे भी हमारा बीटा निकल सकता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है सिक्योरिटी का रिटर्न, तो सिक्योरिटी का रिटर्न है ये, तो स्लोप फंक्शन ने काम थोड़ा जल्दी आसान कर दिया है, जबकि उसमें हमें अलग से पहले कोवेरियंस निकालना पड़ा, ये निकालना पड़ा और ये निकालना पड़ा। हाँ बेटा, हाँ वहाँ से भी निकल सकता है वो डेटा एनालिसिस में जाके। आई होप पॉइंट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बेटा इस पे साइन कर दीजिएगा, दोनों शीट पे कर दीजिएगा।